नमस्कार दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं गुजरात से मुंबई। गुजरात में फ़िलहाल मैं हूँ ऊना में। ये बस दीव से स्टार्ट होती है, काकड़िया ट्रेवल्स है, रेड फ्लाइट, और इसके ड्राइवर हनीफ भाई है जो कि अपने साथ पहले भी वीडियो में काफ़ी बार आ चुके हैं। फ़िलहाल टाइम हुआ है 12:30। हम फ़िलहाल ऊना के थोड़ा सा आगे आ गए हैं, तो चलो आज हम काकड़िया की बस में जर्नी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अभी हम देखते हैं इस बस में ड्राइवर और कंडक्टर कौन है। तो और ड्राइवर में है अपने हनीफ भाई। हनीफ भाई कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। तो हनीफ भाई आप काकड़िया में कब आए फिर? मैं अभी आया हूँ भारत में, 5 साल से था। अच्छा, फिर अभी काकड़िया फिर से आपने ज्वाइन किया। हाँ। और आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हो? 5 साल। ठीक है, और आपके साथ कौन रहेंगे ड्राइविंग के? जीतू भाई, भावनगर वाले। जीतू भाई कहाँ से वो आएंगे? भावनगर से। भावनगर से आएंगे, ठीक है। और आपके साथ कंडक्टर में कौन रहे? रियाज भाई, काकड़िया 14 साल से। अच्छा, रियाज भाई कैसे हो आप? अच्छा हूँ। तो आप काकड़िया में ही कंडक्टर करते हो? हाँ। कितने साल से हो आप? 14 साल से। 14 साल से, तो ठीक है चलो। राकेश भाई, राकेश भाई आप बस की जो टिकट वगैरह है सब आप अरेंज करती रहते हो ना? हाँ। आपका काम क्या है? पैसेंजर को सीटिंग करा, तो बिठाने का, सेटिंग करने का भी मेरा काम है। अच्छा, ऐसा कौन सी सीट किसकी है वो आपका, आपको बताने का रहता है? हाँ। तो राकेश भाई इस बस का टिकट प्राइस क्या है? अभी 1200 रुपये सीजन में, बाकी ऑफ सीजन में 1000 रुपये होता जाए हो जाएगा। ऊपर नीचे होते रहते? हाँ, ऊपर नीचे हो जाएगा। सीजन में इस बस में कितनी सीट है? सीट कितना है? 36। हाँ। और कहाँ से स्टार्ट होती है पिकअप वगैरह? से स्टार्ट होती है ऊना आती है गाड़ी, जाफराबाद, राजूला, महुआ, तलाजा, भावनगर होके जाती है बॉम्बे गाड़ी। अच्छा। हाँ। और मुंबई फिर कहाँ कहाँ ड्रॉप होती है? लास्ट पार्किंग की तरह लास्ट स्टॉप हमारा भावचा धक्का, लास्ट स्टॉप है भाव का धक्का। हाँ। चलो ठीक है, तो कितना पार्किंग में कितने बजे पहुँचाते हो? उधर 7 बजे पहुँच जाते हैं। 7 बजे पार्किंग। हाँ। तो ठीक है चलो, राकेश भाई के साथ हमने टिकट्स वगैरह के डिस्कस कर लिया। तो अभी हम हनीफ भाई की ड्राइविंग देखेंगे, और हनीफ भाई के साथ जो आगे सेकंड ड्राइवर जो आएंगे भावनगर से, उनके साथ भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए देखते हैं आगे। हेलो भाई, 10 मिनट चाय पानी मत होल्ड, बैग ले लेना, गाड़ी सीधी लगी जाए। तो हम अभी इधर रुके हैं, और टाइम अभी
4:20 हुआ है, 4:20 और हनीफ भाई ड्राइविंग करके आए। हनीफ भाई कब से आप गाड़ी चला रहे हो? 12:30 बजे से। 12:30 बजे से आप चला रहे हो, दीव से स्टार्ट किया था ना आपने। तो अभी हम किधर है? अभी जैसर। अच्छा, तो अभी यहाँ से और किया कितना आप तक चलाओगे? 10:30 बजे तक चलाऊंगा। रात के 10:30 बजे तक आप चला? 10:30 बजे। अच्छा, कौन सा इलाका रहेगा वो? तारापुर। तारापुर तक आप चलाते रहेंगे कंटिन्यू? तो अभी कितने मिनट तक अपन यहाँ पे होल्ड करेंगे? 10-15 मिनट यहाँ रखेंगे। 10-15 मिनट यहाँ पे रखेंगे। तो चलो ठीक है, फिर हम अभी हनीफ भाई के साथ थोड़ा नाश्ता कर लेते। तो अभी 4:40 हुआ है और हम इधर होटल पे रुके थे, 15-20 मिनट रुके हैं और अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। ड्राइविंग पे अभी हनीफ भाई है, हनीफ भाई के साथ जो ड्राइवर है वो आगे से आएंगे, तो देखते हैं अभी आगे और अपने कंडक्टर। अभी क्या? और रियाज भाई पैसेंजर की चेकिंग करते हुए, कोई रह तो नहीं गया और हम अभी होटल से निकल गए।
भावनगर आने के बाद अपने हनीफ भाई ने ड्राइविंग जीतू भाई को दे दी थी। तो हनीफ भाई आपने कहाँ पे ड्राइविंग दी थी, कहाँ तक ड्राइविंग की? भावनगर तक, दीव से भावनगर तक ड्राइविंग किया मैंने। हाँ, भावनगर से जेपी गोहिल, जेपी गोहिल भाई। अच्छा, उसको दिया मैंने। तो जेपी भाई आपका कितना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में? 9-10 साल तक। 9-10 साल का। और काकड़िया में? काकड़िया में 4-5 साल से कंटिन्यू। 4-5 साल से काकड़िया बस में हो? हाँ। ऐसा, तो अभी आप कहाँ तक ड्राइविंग करोगे? ड्राइविंग करूँगा यहाँ तो बॉर्डर तक, महाराष्ट्र बॉर्डर तक। आप फिर उसके बाद हनी भाई आप फिर से ड्राइविंग करोगे? हाँ, मैं करूँगा बॉर्डर से। पार्किंग तक डायरेक्ट? पार्किंग सिटी में, पार्किंग मुंबई सिटी डायरेक्ट, लास्ट पार्किंग में, लास्ट पार्किंग। तो ठीक है। और जेपी गोयल भाई अपने काकड़िया में काफ़ी साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अभी हम ड्राइविंग देखेंगे। रवि बॉल देखो, देख ले रवि बॉल।350 20 मिनट हो रहे और होटल आई है। अरे भाई गला जम्मा मत और तो होल्ड आया है अभी। तो रात के तकरीबन अभी 10 बजने वाले हैं और हम माया होटल में रुके हैं। काफ़ी अच्छी होटल थी, खाना भी काफ़ी टेस्टी था। तो काकड़िया बस हमारी इधर रुकी हुई है, हमको 20 मिनट इधर हो ही गई है। तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। ड्राइविंग में जीतू भाई रहेंगे।
महाराष्ट्र बॉर्डर पे अभी फ़िलहाल जाम लगा है, तो पिछले टाइम से तो बहुत ज़्यादा अभी लाइन है, फिर भी देखते हैं। स्लो स्लो गाड़ी आगे तो बढ़ रही है। समझा रहा था उसको, रुको भाई रुको, वही बोल रहा काका को, इधर कुछ रहे सब लोग पहले लाइन देख लिया चढ़ाव Oh.
तो भाई ड्राइविंग खत्म हो गई है आपकी इधर से? हाँ, हमारा ड्राइविंग खत्म हो चुका है, अब आएगा हेड ड्राइवर। अभी महाराष्ट्र बॉर्डर से हनीफ भाई ड्राइविंग करेंगे, रियाज भाई भी इधर बैठे हैं साथ में। रियाज भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। थके नहीं हो? नहीं, आराम हो गया, आराम करके आ गए। हाँ हो गया। हनीफ भाई अभी यहाँ से डायरेक्ट पार्किंग तक गाड़ी खींचने वाले हैं। अभी 6:50 हुआ है और रियाज भाई भी इधर बैठे। रियाज भाई किधर पहुँचे अभी अपन? पोरबंदर। पोरबंदर और फिर अपन को अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ से इधर तक पार्किंग तक? एक घंटा लगेगा। एक घंटे में ही पहुँच जाएंगे, यानी सुबह मुंबई की ट्रैफिक से पहले पहले पहुँच जाएंगे अपन। हाँ पहुँच जाएंगे। अभी हमारा भी लास्ट स्टॉप आ गया है बांद्रा और ये गाड़ी तो पार्किंग तक जाएंगी। और अपने रियाज भाई अभी क्या आप अभी पार्किंग में जाके क्या आराम करोगे फिर? हाँ, पार्किंग में जाके आराम कर लेंगे। तो रिटर्न कब निकलोगे वहाँ से? रिटर्न 11:30 बजे। 11:30 बजे पार्किंग से निकलोगे वहाँ से फिर वापस दीव? चलो ये भी ठीक है। तो हमारा बांद्रा आ गया है, अपने हनीफ भाई ड्राइविंग पे है और जीतू भाई तो ऊपर सोए हुए हैं। हाँ तो बस अभी जा रही है यहाँ से पार्किंग और मैं बांद्रा में उतर गया हूँ। अभी मैं जाता हूँ घर, तब तक के लिए इतना ही, वीडियो जल्दी आ जाएंगी।